खबर राजस्थान के भरतपुर जिले की है, जहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। इस बाढ़ की वजह से जिले के सबसे बड़े डैम बरेठा के गेट खोल दिए गए, जिससे इलाके में पानी का लेवल बढ़ गया। ऐसे में कई इलाके गंभीर रूप से प्रभावित हुए, पानी अब घरों के अंदर घुसने लगा है। इससे स्थानीय लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में बसे लोग अब अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय निवासी कुलदीप सोलंकी ने लोकल टीम को बताया कि बरेठा बांध से छोड़ा गया पानी कुकनंद नदी के जरिए सुपा, नरौली, कोठी खेड़ा और पूराबाई खेड़ा होते हुए भरतपुर की ओर जा रहा है। इस नदी के रास्ते में आने वाले कई गाँव में पानी घरों के भीतर तक घुस चुका है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गांव प्रावाई खेड़ा में बनवाटा से पानी निकल के कपन नदी द्वारा गांव प्रावाई खेड़ा घरों में 4 फीट पानी भर चुका है और गांव का आने जाने का रास्ता चारों तरफ से अवरुद्ध हो गया है और गांव के अंदर घरों में करीबन 300 घरों में 4 फीट पानी अंदर हो गया है। शासन तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिली है और हम तो यही दुआ करते हैं गाँव प्रावाई खेड़ा की जो पाल है नदी की अधिक से अधिक प्रशासन की से यही मांग है कि उसको बनाया जाए और जिससे ये हमारे गांव की जो फसल खराब होती है उसका नुकसान और जो मुआवजा वो दिया जाए। लगभग कितने घर पानी से प्रभावित हुए हैं? करीबन हमारे गांव में 400 घर के समथिंग हमारे गांव में चारों तरफ से घरों में पानी हो गया, रास्ता हमारे गांव का जो चारों तरफ से वो अवरुद्ध हो गया है और 400 घरों में करीबन 4-4 फुट पानी और पशुओं का चारा या अनाज सब खराब हो चुका है। कुलदीप सोलंकी ने बताया कि पूराबाई खेड़ा गांव की स्थिति सबसे खराब है, जहां घरों के अंदर पानी कई फीट तक भर गया है। उन्होंने बताया कि कुकनंद नदी के पानी का बहाव बढ़ने से पास में बना मिट्टी का पुल टूट गया, जिससे गांव में पानी भर गया। इसके चलते उन्होंने प्रशासन से इस कच्चे पुल को फिर से बनवाने की गुजारिश की है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके और गाँव वासियों को राहत मिल सके। ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। इससे लोगों का बाहर निकलना और रोजमर्रा का जरूरी सामान लाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए टीमें तैनात की हैं। अधिकारी स्थिति पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और पानी को हटाने की कोशिशें जारी है। राहत का सामान बांटने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं। लोकल 18 के लिए भरतपुर से मनीष गोस्वामी की रिपोर्ट।